तो है फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए। सो फैमिली, आज मैं आ चुका फिर सेकंड यूट्यूब ब्लॉग के साथ। सो फैमिली, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले आज हम बहुत दिनों के बाद हम रानी डूडे में घूमने फिर से हम जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल अभी हम रास्ता में हैं, अभी हम कुछ देर के बाद हम पहुँचने वाले हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग होगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देख लें, स्किप मत करो। सो हम मिलते हैं वीडियो के एंड। सो फैमिली, फिलहाल अभी हम आके पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में। देखो इस तरह कुछ पार्किंग एरिया आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब अभी अभी बहुत कुछ डेवलप हो रहा है और यहाँ पर घर भी एक बन रहा है। और देखो बहुत सारे गाड़ियाँ आ रखा है। तो चलो सबसे पहले चलते हैं काउंटर में, वहाँ पर जाकर हम टिकट वगैरह करेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे। सो चलो फिलहाल अभी ये देखो हम यहाँ पर टिकट करवा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे अंदर। अंदर जा कर देखेंगे भाई कैसा मस्ती मजा आज होने वाला है। सो चलो हम जाके आगे जाके हम टिकट करते हैं, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। सो फैमिली, फाइनल हम एंट्री कर चुके हैं, अभी हम अंदर ही जा रहे हैं। सो देखो बहुत दिनों के बाद हम डुडुमा में आए हैं, तो कुछ अलग कुछ नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। अभी भी कुछ दिन के बाद बारिश हुआ था, तो बाहर का जो व्यू वगैरह वेदर भी अच्छे से दिख रहा है। तो चलो हम देखते हैं। सो फैमिली, यहाँ पर इतना सब पहले तो नहीं था, मतलब एक कुछ दिन हो गए हैं, यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो चुका है। देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हम आगे जितने पर भी यहाँ पर घूमने आते थे या देखने के लिए आते थे, ये सब नहीं था, मतलब ये अभी स्टार्ट हुआ है। देखो मतलब कपल्स के लिए तो खास के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत कुछ डेवलप हो रहा है हमारा अनंतपुर में। मज़ा आएगा आगे आगे तो ये कुछ भी नहीं, इसे कहीं गुना ज़्यादा होने वाला है। अच्छा तो चलो एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर झूला भी लगा लिया और बच्चे लोग का खेलने का चीज़ भी यहाँ पर आ गया, तो हम झूला भी झूल के देखते हैं। ये देखो झूला भी लगा हुआ है यहाँ पर और साइड का वेदर बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है गाइस। सो फैमिली, फाइनली हम आके झूले में बैठ चुके हैं। देखो हम झूला झूल के देखेंगे, मतलब यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। और ये देखो पानी, जो पानी ऊपर जाने वाला, तो एक बार हम झूला झूल के देखते हैं। ये देखो हमारा दोस्त लोग ऊपर जा चुके हैं, अभी यहाँ से खिसरेंगे नीचे। ये देखो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ बच्चे लोग के लिए खास करके। और देखो मज़ा आएगा गाइस। और ये रहा झूला, तो यहाँ पर हम नहीं झूलेंगे, तो साइड का अगर जो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो चलो ये वजन के लिए साइड, इधर एक बैठेगा उधर एक बैठेगा। ये देखो तो चलो ये सिर्फ बच्चे लोग का खेलने के लिए। तो यहाँ पर जो कपल मत खेलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, एकदम रोमांचिक जगह होने वाला है। पहले इतना सब नहीं था यहाँ पर, अभी तो सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर दुकान वगैरह भी होने वाला है साइड। और ये देखो ये स्विमिंग पूल साइड लगता है मुझे, हाँ इसको तो स्विमिंग पूल बना लिया है। देखो अभी तो कम्प्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी कम्प्लीट होने वाला है। ये देखो अभी तो पेंडिंग में है, काम चल रहा है। और ऊपर देखो घना जंगल, और यहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है, वो तो मुझे मालूम नहीं। तो चलो, अरे भाई मज़ा आ रहा है इतना सब कुछ देखने के लिए। सो देखो आप लोग देख पाए होंगे, मतलब इतना सारा चेंजेस हो चुका है, मतलब पहले ये सब नहीं था। और आज का आउटफिट कुछ इस तरह का है। सो ये मेरा पहला ब्लॉग है जो ट्राइपॉड से, मैं पहले पिछले जितना भी मैं वीडियो बना चुका हूँ वो मैं फ़ोन से ही बनाया था, हाथ में पकड़ कर। और ये नया वाला मैं ट्राइपॉड लिया हूँ,
इसी ट्राइपॉड से बना रहे हैं। और देखो ये लोग झूला झूलने के लिए गए हैं, ये देखो। अगर मौका मिले कभी, अगर गर्लफ्रेंड मिलेगी तो उसको हम ला कर यहाँ पर झूला अवश्य झूलाएंगे। तो चलो अभी हम ऊपर जाके देखते हैं। साइड में जो भी चिड़िया वगैरह जो भी बर्ड्स बदला रहते हैं ना, वो सब मुझे सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एकदम नेचुरल शुद्ध वाला, जैसे कि कोई इंसान अगर हिमालय में या मनाली में जाकर पहुंचता है, वहाँ का आनंद लेने में जैसा मतलब खुद को फील होता है ना, वैसा ही लगता है मुझे यहाँ पर आने में। और देखो भाई दुदुमा का कितना बड़ा पहाड़ है। और इसी के साथ आगे कुछ खतरनाक सा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को पता ही होगा आगे एक बहुत बड़ा गरीला है। सो चलो उसी के पास जाके मिल। इसी के साथ देखो आगे जो ब्लैक दिख रहा है ना, वो रहा गरीला। मतलब वो भी गरीला, ट्राइपॉड भी गरीला, एकदम मैचिंग मैचिंग है आज। तो चलो कोई बात नहीं, मतलब पाँच या चार महीना हो गया हम यहाँ पर आकर। हम जुलाई महीने में आए थे, सो उसे उसके बाद हम कभी नहीं आए थे। तो मतलब मुझे यहाँ पर मिलकर बहुत याद आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम दुर्गा जाकर घूम के आते हैं। तो इसलिए हम आ गए। हम तो बहुत लोग आने वाले थे, लेकिन हमारा फ्रेंड लोग मतलब उन लोगों का एग्जाम है तो उन लोगों ने कॉलेज गए हुए हैं। तो हम हमारा गाँव का 3 घंटा हम आ चुके हैं। और चलो इसी से आगे बीच में और काफ़ी दिन हो गया। चलो वो देखो हाजी बोला, आप लोग को दिख रहा होगा, मतलब क्या बताऊँ। तो चलो हम उसी के पास जाके एक फोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। देखो गाइस कितना बड़ा गोरिल्ला, मतलब इसके नीचे से हमको पार करके जाना पड़ता है। ये रहा द्वार, यहाँ से इसको हम और क्रॉस करके जाते हैं। और मैं पीछे से दिखा दूंगा आपको, ये देखो पीछे से कुछ इस तरह का आप लोग देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ हमारा गांव का लड़का एंटर कर चुका है। तो चलो सो इसी के साथ फिलहाल अभी हम आसपास आके पहुँच चुके हैं झरने के पास। यहाँ से कुछ ही क्षण में हम पहुँचने वाले हैं। सो ये देखो व्यू, देखो चेक करो साइड का व्यू। ये तो हमारे पास एंड्रॉइड फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन से मतलब इतने क्वालिटी आ रहा है, इतना तो क्वालिटी नहीं है, थोड़ा बहुत आ रहा है हमारे लिए। अगर हमारा पास कोई DSLR या GoPro या iPhone वगैरह होता तो मतलब व्यू इतना
मस्त कैप्चर हो रहा था वो मैं आप लोग बता नहीं सकता हूँ। सो चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग का दुआ रहेगा तो वो सब भी आगे हो पाएगा। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। तो चलो ये देखो जो डस्टबिन है और यहाँ पर बैठने के लिए कुछ सीट वगैरह भी है। चलो मतलब धूप का टाइम में यहाँ पर इतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बारिश का टाइम में मतलब पेड़ वगैरह साइड में जितना भी है सब कुछ एकदम हरा भरा होकर रहता है, वह सब बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन धूप के टाइम में क्या होता है ना, मतलब पेड़ वगैरह जितना भी घास वगैरह रहता है ना सब कुछ सूखा हुआ रहेगा, इसीलिए ठीक सा साई का व्यू नहीं दिखने वाला। तो इसी के साथ फैमिली फाइनल है, अभी हम आगे पहुंच चुके हैं डुडमा में। तो चलो हम आगे जाके देखते हैं आगे कैसा नज़ारा हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आई होप कि अच्छी। सो फैमिली इसी के साथ हम आगे पहुंच चुके हैं डुडमा में। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो पिकनिक के लिए। तो अभी मैं कुछ यहाँ से कुछ रिव्यू करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग देख लेना। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, देखो मतलब लोग उधर गए थे मतलब उधर से इधर आ रहे हैं। देखो आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ से नीचे आ रहे हैं, लेकिन हम इस तरह का नहीं जाएंगे, हम अलग साइड से जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम कुछ यहाँ करेंगे दिखाई आपको साइड वगैरह दिखता है। तो भाई इसी के साथ हम पहले हम आपको पहुँच गए डुडमा में। सो ये रहा डुडमा का पानी, हमारा ऊपर से पानी आ रहा है, ये तो सर्वत पानी आ रहा है, सर्वत मतलब एक गाँव है जहाँ हमारा भैया लोग का गाँव। हम ये डुडमा को हम सबसे हम जानते हैं, क्योंकि ऊपर से भी पानी आ रहा है ना, इसके बारे में हमें सब कुछ मालूम है, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग आते हैं, बाहर का लोग आते हैं, तो अंदर का लोग भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो हम जिस टाइम आए थे मतलब वो जुलाई महीने में, उसी समय में मतलब यहाँ से हम अंदर जा नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत सारे मतलब पानी आ रहा था। तो अभी तो कोई बात नहीं, हमें देखो हम यहाँ पास आ चुके हैं आपका। तो चक्कर बारिश का देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश नहीं, अगर बारिश का टाइम है यहाँ पर बहुत कुछ पानी मिलेगा आपको देखने के लिए, लेकिन इसी समय में इतना पानी नहीं आ रहा है। देखो आप लोग देख सकते हो कि मतलब ऊपर से पानी आ रहा है, अगर बारिश के टाइम में आओगे तो बहुत सारा पानी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर एक दो फोटो हम क्लिक करेंगे। और व्यू यहाँ पर बहुत बढ़िया आ रहा है, क्योंकि क्लैरिटी भी अच्छी है, क्योंकि मतलब चाय और के रखा है ना, इसीलिए अच्छे से यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, ऊपर यहाँ पर फोटो वगैरह चल रहा है, और ऊपर भी लोग गए, हम भी ऊपर जाएंगे तो उसे कहना यहाँ पर एक दो फोटो भी हम क्लिक कर लेते हैं। सब फाइनली हमारा कैमरा सेट हो चुका है और एक बंदा गया कुकू मारने के लिए। तो अभी हम उसी के साथ हम स्विम किएंगे, तो ये रहा स्विम, हमारा जज लाइट बन चुका है एक बंदा के लिए, हम दो ले लेते हैं और चलो यहाँ का मज़ा कुछ ले के पी के बाय। सब कोई बात नहीं,
इसी के साथ यहाँ पर हम कुछ मस्ती करेंगे, और हम तो कुछ खाने के लिए तो ऐसा कुछ लेके नहीं आए हैं, सिर्फ टिंग लाए हैं, तो इसी के साथ हम मजा लेंगे। तो कोई बात नहीं, चलो वही देखो यहाँ का वेदर कुछ इस तरह का आप लोग देखने के लिए मिलेगा। नीचे जो पहाड़ आप लोग दिख रहा होगा कितने मस्त है, ये देखो यहाँ का नजारा, और पानी आ रहा है ऊपर से, मतलब जो पानी आ रहा है एक्चुअली थ्री स्टेप आ रहा है, मतलब ऊपर से वहाँ पर आ रहा है वहाँ से नीचे, लेकिन उसके भी ऊपर से पानी आ रहा है, मतलब ऊपर से वहाँ एक स्टेप आ रहा है, वहाँ से दो स्टेप, वहाँ से तीन स्टेप, मतलब थ्री स्टेप तक पानी आ रहा है। सो अगर इसी के बारे में अगर किसी को मालूम नहीं है तो आप लोग उसको अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर जाके, मतलब वहाँ पे जो रास्ता है वहाँ का आप लोग ऊपर जाके, ऊपर का रास्ता तो आप लोग जाके आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा, अगर आप लोग का सपोर्ट का वजह से, और अगर आप लोग का कमेंट रहेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊंगा। आई होप कि आप लोग इस वाले वीडियो करवा दोगे। सो फाइनली इसी के साथ अभी हम, अरे यार हमें तो पैसा मिल गया भाई, 10 रुपया ने मुझे बंदा ने उठा लिया, कोई बात नहीं। सो चलो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और आगे जाके दिखाएंगे, आगे तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है अभी, हम जितना भी हम अंदर जाके शूट किए या जितने भी वीडियोस बनाए हैं बस उतना ही था, अभी तो यहाँ पर काम चल रहा है और पूरी तरह का कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट होने के लिए 2-3 साल तो लगभग लग जाएगा। सो चलो इसको हम पूरी तरह के कंप्लीट होने का हम वेट करते हैं। सो देखो यहाँ से व्यू कुछ अलग दिख रहा है और यहाँ से व्यू कुछ अलग दिख रहा है। सो चलो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आई होप को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो भी मेरा चैनल पर नहीं है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो पास में भी लाइक एंड बटन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग का पास आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।